गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्रामर से शुरू करते हैं। ग्रामर किसे कहते हैं, आइए देखें। ग्रामर इज अ मीडियम बाय विच वी लर्न We learn how to speak, how to read, write, and speak English correctly. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा, इफ़ समवन आस्क्स यू, अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्रामर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ग्रामर, देन यू कैन सिंपली आंसर, ग्रामर इज़ अ मीडियम बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ठीक है, चलिए अब दूसरा आते हैं, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। अल्फाबेट, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स आर ऑफ टू काइंड्स, अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखें, इट हैज़ टू काइंड्स, किसी किसी बुक में आपको थ्री काइंड्स भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अधिकांश जो आपको ग्रामर बुक पढ़ने को मिलेगा उसमें दो काइंड ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, आइए देखें, इट हैज़ टू काइंड्स, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, और दूसरा हो जाएगा वॉवेल। ठीक है, किसी किसी में आपको तीसरा काइंड मिलेगा जिसको सेमी वॉवेल कहते हैं। लेट्स कंसीडर इट थ्री थर्ड काइंड, सेमी वॉवेल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के बारे में जाना।
ठीक है। पहला अब हम लोग जानेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। चलिए पहला कॉन्सोनेंट शुरू करते हैं। कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू यानी कि ये पांच वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। और अगर सेमी वॉवेल अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एंड वाई। तो ये सातों लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से इन सातों को हटा करके बाकी जितना भी बचेगा उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट को बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी एक्स एंड जेड। दीज आर 17 इन नंबर्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 17, ठीक है। इनकी संख्या कुल 17, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स एंड जेड, ठीक है। ये हो गया आपको कॉन्सोनेंट। अब आते हैं वॉवेल। ए ई आई ओ एंड यू आर कंसिडर्ड एज वॉवेल। ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है, ठीक है। किसी किसी खास करके जो ओल्ड ग्रामर बुक है उसमें आपको सेमी वॉवेल भी मिलेगा, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड सेमी वॉवेल। लेट्स लुक एट सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल W एंड Y, दीज आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। इन्हें ही सेमी वॉवेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हो गया ग्रामर, उसके बाद अल्फ़ाबेट। अब आते हैं वर्ड पे। लेट्स लर्न वॉट इज़ अ वर्ब, वॉट इज़ अ वर्ड, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं, आइए देखें। Words are the combination of words are the combination of vowel and consonants.
कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कोई भी आप वर्ड लिखेंगे तो उसमें एक ना एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल में। कैट, पेन, बुक, ETC, ठीक है। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। इवन ऑल द नेम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वर्ड्स, ठीक है। बल्कि कहा यह जाए कि उसमें एक ना एक वॉवेल और एक ना एक कॉन्सोनेंट ज़रूर होगा। चलिए अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई बार लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो जानते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उन्हें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। दे एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में करीब करीब 8 लाख वर्ड्स हैं, ठीक है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided all the English words are divided into 8 different categories, 8 8 different categories according to their uses. They are called parts of speech. Parts of speech. There are approximately 8 lakh words in English. English में कुल मिलाकर के 8 लाख words हैं, and they are divided into 8 different classes or categories. उनको क्या किया गया है, तो 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है, और वो भी उनके यूज़ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दियर यूजेस। सो दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब आइए सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबसे पहले जान जाते हैं कि कौन कौन 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
एडवर्ब कंजंक्शन कंजंक्शन देन प्रीपोजिशन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. ठीक है, तो ये एट डिफरेंट क्लासेस हैं, ये एट डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ आप देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. सो वी विल स्टडी अबाउट देम सीरियली वन बाय वन. ओके, सो लेट्स हैव, फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट नाउन. व्हाट इज द नाउन? ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे. चलिए, तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं, नाउन से. अ नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animals, things, feelings and ideas, or you can say ideas and feelings. Ideas and feelings. ठीक है. A noun is the name of a person, place, animals, things, feelings and ideas. यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है नाउन में, किसी किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, या इसके अलावे कोई फीलिंग्स या आइडियाज़ भी हो सकता है. ठीक है, example, cat, pen, Patna, Mohan, etc. ठीक है, तो इसमें अभी आपने देखा कि नाउन वैसे शब्दों को कहा जाता है जो कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, सॉरी किसी जगह, किसी जानवर, किसी वस्तु, किसी आइडियाज़ या किसी फीलिंग्स के बारे में कहता है. ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है, आप एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आप जो भी कुछ देखते हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी चीज़ आप देखते हैं या आप फील करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू
दिस कैटेगरी नाउन, ये वे सभी इस नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर भी करें। मैं फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा नेक्स्ट डे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।